नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मैं चैनल टूर स्टार्ट इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम चाय के बागानों के बाद में वापस जो कंसूल का एक होटल है उधर जा रहे हैं और ये ब्लॉग है जो चाय के बागानों के बाद का वीडियो है। इसमें अगर आपको कुछ दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ और फिर खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद में हम जाएंगे वापस। कई दो चार डॉल्फिन पार्क है, पता नहीं कौन कौन से पार्क है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे ऊटी और फिर ऊटी से जाएंगे मैसूर। तो बने रहिए चैनल पे और देखिए आगे के ब्लॉग वीडियो। दोस्तों, जहाँ हम खाना खाने रुके हैं वहाँ से ये व्यू पॉइंट है। खैर, मुझे खाना नहीं खाना क्योंकि हम खा के आए मैं और गिरधारी दोनों ही, और यहाँ से जो ये ज़बरदस्त नज़ारा आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने सोचा कि ये नज़ारा इनको दिखाना चाहिए, बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा है। और ये देखिए, बहुत गहरी खाई है, बहुत अद्भुत नज़ारा है। और ये चाय के जो खेत हैं, बागान यहाँ भी है। ये देखिए, उसका वीडियो आपने पहले देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है। मेरे सारे जो कर्नाटक, देवनगिरी, मैसूर और ऊटी और कन्नूर के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको एंड स्क्रीन बटन और लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी टूर इन शेड इंडिया के नाम से ही पेज है, वहाँ आप लाइक और फॉलो कर सकते हो। वहाँ मेरे से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, वहाँ आप मेरे से किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। ये वो एरिया है जो कन्नूर का बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार व्यू वाला, और यहाँ नीचे उन जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसा ये यहाँ के लोग कहते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ पर जो नीलगिरी पहाड़ पर बसा है पूरा कन्नूर और ऊटी है। ये देखिए दोस्तों, ये कैसे ये बादल इन पहाड़ों के ऊपर होते हुए नीचे भी हैं। देखिए, बादल नीचे ही रह गए और ये बहुत दूर दूर तक आपको ये शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, बाइक ऊपर माउंटेन टॉप तो डाउन, एक लेडी का फेस मिलता है, शिल्पिंग वो नेचुरल है। देखा तो मेन डिप्लेम से भी बस से चलेगा।
जंगल के पहले अंगला एक जगह है, वो अंगला कर्नाटक बॉर्डर पूरा दे सकता है, उसके आगे पीछे है। अभी इधर का देखना तो मेन जगह, अभी देखिए उधर की फोटो खींचो, नेक्स्ट हम लोग जाना वाला ऊटी। ऊटी जाने के रास्ते में एक बिग माउंटेन विद टी फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री, पूरा छोटा बेटा व्यू माइंड वो बनेगा सब उधर से फोटो खींचो। आप जो सामने वाटरफॉल देख रहे हो, ये ऊटी का और दक्षिणी भारत का बहुत ऊंचा वाटरफॉल है। और ये ऊटी का, इसके ऊपर जो आपको कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे, ये ऊटी का आखिरी गांव है दोस्तों। ये देखिए, ये ऊटी का आखिरी गांव है। और यहाँ का जो ये दृश्य है, अल्टीमेट दृश्य है दोस्तों, ऐसा दृश्य कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं। ये चाय के बागान है, और जो चाय के बागान है वो भी हम बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये ऊटी का आखिरी गांव है। और ये जो वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, इसके पास में आपको बहुत ऊंची और गहरी खाई दिखाई दे रही होगी। यहाँ से जो वाटरफॉल का पानी गिर रहा है, वो नीचे भी आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, एक सफ़ेद सी लाइन बनी हुई है दोस्तों। समय के अभाव होने का कारण हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको जो वाटरफॉल दिखा रहे हैं, ऊँटी का जो आखिरी गांव है वो दिखा रहे हैं। इस आखिरी गांव के थोड़ी दूर बाद में जंगल है, और जंगल जो होता है वो कर्नाटक का है। इस ऊटी के आखिरी गांव के एक तरफ केरला है, एक तरफ कर्नाटक है, और एक तरफ तमिलनाडु है। जो ये देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त और कितना ऊंचा वाटरफॉल है ये आखिरी गांव ऊटी का। और दोस्तों यहाँ ये देखिए, ये चाय के बागान, और ये चाय के बागान उनके बीच में जो पेड़ हैं, इनकी कटिंग है, कितना ज़बरदस्त शानदार व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे आने वाले ऐसे और ज़बरदस्त शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं, ये वो दृश्य जो आपने पहले कभी कहीं भी नहीं देखा होगा, इतना ज़बरदस्त और शानदार, लाजवाब और अल्टीमेट दृश्य आपको ये देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल समीप से आपको मैं वाटरफॉल दिखाई दे रहा हूँ, और ऐसा कहा जाता है कि ये वाटरफॉल हमेशा बहता रहता है। ये सर्दी गर्मी बरसात सभी ऋतुओं में बहता रहता है। और ये देखिए, क्या लाजवाब दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार दृश्य आपको ये देखने को मिलेगा ऊटी के कन्नूर गांव में। आपको ये ट्रिप बहुत अच्छा लग रहा होगा, और ये वो वाटरफॉल है वो आपको दिखाई दे रहा है, अपने वीडियो में देखा। मेरे पीछे जो चाय के बागान है वो आप देख रहे होंगे, कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त चाय के बागान है। और ये जो चाय के बागान है वो कन्नूर में है, और अब हम ये देखने के बाद हम ऊटी जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, और ये कितना ज़बरदस्त व्यू आपको देखने को मिलेगा।
बहुत ही आला दर्जे का व्यू है। और ये डॉल्फिन पॉइंट भी है, उसके डॉल्फिन पॉइंट उसके पास में यहाँ से कोई डॉल्फिन एक पत्थर है वो डॉल्फिन की जैसे दिखाई देता है। और वो जो वाटरफॉल है कुन्नूर का, बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी शानदार ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।